आधुनिक मशीनीकरण के युग ने शिक्षित युवाओं को तो बेरोजगार किया ही है, वहीं छोटे तबके के मजदूरों की रोजी रोटी पर भी ग्रहण लगता नजर आ रहा है। जहां गर्मी के मौसम में लोग मिट्टी से निर्मित मटकों में भरे ठंडे पानी का लुत्फ लेते थे, वहीं अब बाजारों में रेफ्रिजरेटर आ जाने से कस्बे में मिट्टी के बने बर्तनों की बिक्री पर खासा असर पड़ा है, जिससे मिट्टी के बर्तन व्यवसाय प्रजापत समाज के लोगों को अब चिंता सताने लगी है। वहीं डीग कस्बे में 60 से 70 प्रजापत परिवार इसी व्यवसाय में लगे हैं और इसके अलावा और कोई रोजी रोटी का स्रोत नहीं है। इसी तरह गत वर्ष कोरोना काल के समय बाहरी क्षेत्रों में आवागमन बंद होने से भी असर इन व्यवसायियों के कंधे पर पड़ा था, जबकि उपखंड क्षेत्र के अलावा मिट्टी के बर्तनों की मांग रहती। वहीं इसी व्यवसाय में वर्षों से लगी प्रजापत समाज की एक वृद्ध महिला ने बताया कि पहले घरों में मिट्टी के बर्तनों की काफ़ी मांग रहती थी और अच्छे भाव में मटके बिकते थे, वहीं अब बाजार में रेफ्रिजरेटर आने से मटकों की बिक्री में बहुत कमी आई है। महिला ने बताया कि अब दिन भर में मुश्किल से 2 या 4 मटके ही बिक पाते हैं, जिससे साग सब्जी के लायक भी आमदनी नहीं हो पाती। वहीं प्रजापत समाज के लोगों का कहना है कि पीढ़ियों से वे लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय करते आ रहे हैं, लेकिन अब मशीनीकरण ने मजदूर वर्ग के हाथ काट दिए हैं। उनका कहना है कि जहां एक ओर रेफ्रिजरेटर प्लास्टिक जैसी चीज़ों के वर्तमान में अधिक प्रचलन से मिट्टी से निर्मित बर्तनों की मांग दिनों दिन घट रही है, वहीं दूसरी ओर ये समाज धीरे धीरे बेरोजगार हो रहे हैं और उनकी रोजी रोटी के लाले भी पड़ रहे हैं। तो ये कि दो बिके तो का बिकवे में बिकवा का दिन भर में 4 बिक जाते होंगे, 5 बिक जाते होंगे, कुर्सी ना पर सागवादी की ग्रे पिछली मैं कम बिक रहे पिछली साल कहाँ बिके, ये फ्रिज चल गए भैया फोन ले रहे मटकान में एक एक दो दो बिक रहे हैं, ये कहा है। अच्छा तो फ्रिज के कारण प्रभाव पड़ा है। हाँ फ्रिज के तुम्हारे कोई ना खरीद रहे, पहले 5-5, 10-10 जगह नहीं एक एक दिनों ले जाओ और अब कौन ले जाए, चपटा पकड़ेंगे एक कोई 2-3 महीना में एक चपटा ले जाए, मतलब कम है बिक्री अब इनकी और का फ्रीज नहीं बाजार में फ्रीज आने से कम बिक्री है और का बिक्री का है। कोरोना का प्रभाव पड़ा है क्या इस पे कोई? अब भाई कोरोना समझ ले भाई, कोरोना तो मुझे ना लग रहा पर मुझे तो ये फ्रीज ही लग रहे। दादी नाम क्या है? फ्रीजन के पूछे बीमारी चल रही है। नाम बताओ नाम अपना। मेरा नाम तो फरमाली है भैया और का काम है हम पे, हमारी खेती ना क्यारी ना कछु ना। अच्छा इसी को करते हैं? यही को करें भैया, यही यही आजीविका है पूरे परिवार की और का। कितने परिवार काम करते हैं ठीक में इसने? भैया अब यहाँ में तो 7-8 मोहल्ला है। अच्छा तो यही काम है कर रहे कुमारन के, ये कोई के है ही ना खेती क्यारी। तो भरतपुर से अंकुर जादौन की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।